सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पीटीआई की गैर एलानिया रजामंदी थी। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मौलाना फजल रहमान वाला ड्राफ्ट ठीक है, आईनी तरमीम पर सब जमातों के एतमाद में लिया गया, पीटीआई की तरफ से सोशल मीडिया पर अफसोसनाक मुहिम चलाई गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पीटीआई की गैर एलानिया रजामंदी थी। बैरिस्टर गौहर ने कहा था मौलाना फजल रहमान वाला ड्राफ्ट ठीक है। झगड़ा समाप्त। 26वीं आईनी तरमीम अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े कंसेंसस के साथ पास हुई और उसके पास होने में भी पीटीआई का जो है वो एक मैं समझूंगा कि इनडायरेक्टली एक पॉजिटिव पहले अमल था। जब मौलाना फजल रहमान साहब ने उस ड्राफ्ट का जिक्र किया तभी पीटीआई ने कहा कि यस, ये मौलाना फजल रहमान साहब का ड्राफ्ट जो है वो बहुत बेहतरीन है। पीटीआई का झगड़ा ना पीपुल्स पार्टी से ना पीएमएलएन से, इनका झगड़ा इस धरती से, इनका झगड़ा इस मिट्टी से, इनका झगड़ा इस हमारे मुल्क के नक्शे के साथ है। वो मुल्क इस तरह के लोग लॉन्च करके, इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च करके हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।